emergency that was there. So आज का टॉपिक थोड़ा जो हम आपको बताने वाले थे थोड़ा और थोड़ा समय कम है बट वो टॉपिक हम ले सकते हैं. सो ये भगवद्गीता में क्या भगवद्गीता में हम लोग जब मंगलाचरण प्रेयर्स करते हैं, मंगलाचरण का मतलब ये है कि हम जब कोई शास्त्र पढ़ते हैं वो पढ़ने के पहले हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी को और डिवोटीज को कि हम अच्छी सही मूड में हैं कि हम भगवद्गीता या भागवतम चरणामृत सुन सकते हैं. सो उसको मंगलाचरण कहते हैं, वो मंगल करते हैं. हम पढ़ने के पहले हम सब एनवायरनमेंट और हमारे कॉन्शियसनेस को मंगल करते हैं. सो उसको मंगलाचरण कहते हैं. अभी आप देखेंगे तो मंगलाचरण भगवद्गीता में आप देखेंगे तो मंगलाचरण प्रेयर शुरू होती है एक मंत्र से. ओम ज्ञान त्रिविधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. सो ये है, आप देखिए ओम ज्ञान त्रिविधस्य कि हम अज्ञान में जब पैदा होते हैं, हम अज्ञान में अज्ञान के साथ पैदा होते हैं. सो इसीलिए हम कहते हैं गुरु को कि ओम अज्ञान त्रिविधस्य कि हम अज्ञान में हैं और आपकी वजह से आपके दया से हमको क्या कहते हैं एनलाइटनमेंट आती है और ये ज्ञान आती है. सो एक प्रभुपाद जी मेलबोर्न में श्रीमद् भागवतम 6 कैंटो चैप्टर 1 चैप्टर टेक्स्ट 1 के ऊपर लेक्चर देते हैं 1975 में, May 21st 1975. उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि हम दो तरह के हमारा दिशा दो तरह की होती है. एक नॉर्मल दिशा जो हमारा है वो है कि हम इंद्र तृप्ति में अटक जाते हैं. नॉर्मली हमारा जब हम पैदा होते हैं हम अज्ञान में पैदा होते हैं और अज्ञान के वजह से हम इंद्र तृप्ति सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं. अभी ऐसा होता है कि जब तक हम वैष्णव से मिलते हैं, जब तक जब हम गुरु से मिलते हैं उस समय हमको और दूसरा दिशा वैष्णव या गुरु हमको दूसरा दिशा देते हैं. वैष्णव या गुरु हमको कहते हैं कि भाई ये इंद्रतुप्ति जो आप इंद्रतुप्ति के पीछे आगे बढ़ रहे हैं वो इंद्रतुप्ति आपको वो शांति या आनंद सेटिस्फैक्शन का वो हिंदी में संतुष्टि शांति और संतुष्टि उससे या इंद्रतुप्ति से नहीं मिल सकती है. इसीलिए वो कहते हैं कि आप थोड़ा अपनी दिशा थोड़ा बदल दीजिए. एंड वो कहते हैं कि ये प्रवृत्ति मार्ग छोड़ के थोड़ा निवृत्ति मार्ग के मार्ग पे आ जाइए. उसका उनका वही रिक्वेस्ट है, उनका वही इंस्ट्रक्शन है. इसीलिए ये है उनका दया, ये वैष्णव या गुरु का दया ये है कि वो हमको हमारा हाथ पकड़ के हमारा यू नो हमको प्यार से हमको कहते हैं कि भाई ये इंद्रतुप्ति जो आपको जिससे आप जिसके पीछे आप भाग रहे हैं वो इंद्रतुप्ति आपको संतुष्टि नहीं मिल उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी और थोड़ा सोच समझ के आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए, थोड़ा भगवान के तरफ आ जाइए, थोड़ा भक्ति के तरफ आ जाइए. भक्ति के तरफ आने से आपको संतुष्टि मिल सकती है. एंड यही प्रभुपाद जी कहते हैं. 6:1:1 में सिक्स कैंटो चैप्टर 1 चैप्टर टेक्स्ट 1 में कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग कहित अधो भागवत यत कर्म योगो पाल देन ब्राह्मण पदम श्रित. सो प्रभुपाद कहते हैं कि मेटीरियल लाइफ जो ये
मेटीरियल लाइफ जो है उसका मतलब है इंद्र तृप्ति, उसको मतलब ही है इंद्र तृप्ति। और जो स्पिरिचुअल है लाइफ है उसका मतलब है कि भक्ति। एंड ये इस्कॉन मूवमेंट, प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन मूवमेंट की यही महत्वपूर्ण है कि हम सब जिससे भी हम मिलते हैं, हमारे भी और जिससे भी हम मिलते हैं, हम सबको एक ही बताते हैं, हम एक ही कहते हैं, हम सबको ये कहते हैं कि भाई आप इंद्र तृप्ति तो ठीक है, आपको कुछ खुशी हो सकती है बट खुशी के साथ दुख भी हो सकते हैं। ये सब इस दुनिया में सब ये वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी कहते हैं। सो क्या होता है कि खुशी के साथ दुख है, प्यार के साथ नफरत है, ऐसे सब यू नो ऑपोजिट्स, या ऑपोजिट्स होते हैं, मिलता है ये दुनिया में। बट सिर्फ भक्ति के रास्ते में सिर्फ एक ही है, वो सिर्फ आनंद मिलती है, उसमें कुछ डुअलिटी तो है नहीं। सो यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज कि ये इंद्र तृप्ति, ये मेटीरियल लाइफ जो है उसको इंद्र तृप्ति से क्या कहते हैं, इंद्र तृप्ति के दिशा के है हमारे पास और हम उस रास्ते में चलते हैं। ये इंद्र तृप्ति सब जीव में हम क्या कहते हैं उसको एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं, सब इंद्र तृप्ति उस एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं हम। सो हम जो 8 मिलियन क्या कहते हैं, 84 लाख, 84 लाख, हम 84 लाख जीव से आ रहे हैं और उसमें सब यही हम करते रह रहे हैं कि हम इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं। सो प्रभुपाद जी कहते हैं ये इस्कॉन मूवमेंट के यही ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज है कि इंद्र तृप्ति से आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती है, आप भक्ति की तरफ आ जाइए। और यही है वैष्णव की बहुत इम्पोर्टेंट कृपा कि, और जब कोई आपको अभी एक प्रॉब्लम आती है, जब हम मैसेज देना चाहते हैं हमारे लिए और दूसरों के भी, जब हम मैसेज देना चाहते हैं एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम यह है कि एक एग्जांपल से हम ये बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। एक प्रॉब्लम है कि जब कोई क्या कहते हैं ड्रंकर्ड, व्हाट यू कॉल फॉर ड्रंकर्ड, पियकर, कोई ड्रंकर्ड या कोई दारू पीने वाला कोई है जो दारू से उनको नशा, और दारू के नशा में है, वो सपोज वो एक रास्ते पे चल रहा है और एक गाड़ी आ रहा है, आप देख रहे हैं कि वो गाड़ी उसको उनसे टकरा के उनको उनको क्या कहते हैं कुछ डिफिकल्टी मिल सकती है, वो मर सकता है ऐसे, आप जाके उनको पकड़ के वापस फुटपाथ पे लेके आते हैं। सो उस समय क्या होता है, उस समय वो जो क्या कहते हैं दारू के नशा में है, उनको वो लगता है कि क्यों हमारा इंद्र तो क्यों हमारा रास्ता रोक रहे हो, हम आगे जा रहे थे, हम रोड क्रॉस कर रहे थे, आप हमको क्यों रोका, वो नाराज हो जाते हैं। हम जब किसी को उनके इंद्र तृप्ति से रोकते हैं वो नाराज हो जाते हैं, क्यों हमारे इंद्र तृप्ति से हमको हमको रोक रहे हैं, आप क्यों इतना गलत बात बोल रहे हैं, इंद्र तृप्ति हमको इतना खुशी मिलती है उससे, आप क्यों रोक रहे हैं उसको, नाराज आप, सो हमको नाराज होते हैं कोई हमारे इंद्र तृप्ति से हमको रोकते हैं। वैष्णव लोग इतने दयालु हैं, इतने ये है कि वो नाराज, जो हम नाराज भी होते हैं अभी हम हमको उसको कुछ ना उसे वो लेते नहीं, उसको अंधे करते हैं और उसके अंधेका उसको अंधेका करते होते हुए उसको अंधेका करते हुए उन लोग क्या कहते हैं वैष्णव लोग बोलते हैं ठीक है आप नाराज हो जाओ बट मेरा यही प्रार्थना है आपसे, प्लीज आप इंद्र तृप्ति छोड़ के थोड़ा ये भक्ति के रास्ता पे आ जाइए प्लीज, बिकॉज आपसे आपको जो चाहिए, जो संतुष्टि चाहिए वो सिर्फ भक्ति रास्ते से मिलेगी। सो ऐसे ही है एंड सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन मूवमेंट की यही
यही मेन मिशन है। इसको प्रभुपाद जी इस्कॉन को इसीलिए शुरू किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग को ये ज्ञान दे सकते हैं कि इंद्र तृप्ति से संतुष्टि नहीं मिल सकती है और सिर्फ भक्ति के रास्ते से आपको जो संतुष्टि आप देख रहे हो वो मिल सकती है। अभी सो आज एक है, आज शिला हरिदास ने शिला गौर किशोर दास बाबू जी महाराज की तिरुबा है। आज शिला गौर किशोर दास बाबू जी महाराज की तिरुबा है। उनके आप उनके उनके चरित्र पे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो इतना फिक्स थे, वो इतना कि वो बाबा जी है, वो तो रेगुलर थिंग है नहीं, बट उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली ये इंद्र तृप्ति और भक्ति के बारे में प्रचार किया। एक आपको एक काफी ये है, थोड़ा वो हेवी हो सकता है, बट आप थोड़ा सिर्फ ये सुनने की अच्छी बात है, बट हम प्रैक्टिस करेंगे कर सकते हैं कि नहीं वो दूसरी बात है, बट ये सुनने की बात अच्छी है, सो ये थोड़ा सुन लीजिए। सो गौर किशोर दास बाबा जी ने एक नई शादी, एक न्यूली मैरिड डिवोटी को और उनके पत्नी को वो आए और पूछे गौर किशोर दास बाबा जी से कि महाराज हमको आपका दया चाहिए, आप आपका आपका आप इतने दया दिया तो आप हमको थोड़ा दया दीजिए। उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी ने बोला आपको सच्ची में भक्ति करनी हो तो एक काम कीजिए, आप और पत्नी सेपरेट रहे। सो ये आप देख लीजिए ये कितनी वो ये नया नया शादी करके आ रहे हैं और महाराज जी से गौर किशोर दास बाबा जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की गुरु हैं, जो प्रभुपाद की शिला प्रभुपाद की गुरु के गुरु हैं, देखिए आप कैसे उनका उनका दिशा कैसे चल रहा है। सो ये नई शादी हुई, ये कपल आते हैं जो डिवोटी और उनके पत्नी आते हैं और उससे पूछे प्रभु जी आप महाराज जी आपको थोड़ा मेरा थोड़ा हमें आपका दया तो चाहिए, आप थोड़ा दया दीजिए। गौर किशोर दास बाबा जी बताया कि अच्छा अच्छी बात है, आपको दया हमें दया चाहिए, हमारा सिर्फ एक ही दया है कि आप भक्ति का रास्ता में चले। हम काफी डिवोटी से ये सुना है हम काफी, बट देखिए गौर किशोर दास बाबा जी का दया और दूसरी तरफ जा रहे हैं। जब लोग हमको कहते हैं, जब हमको ब्लेसिंग्स देते हैं, जब नया नया शादी आते हैं महाराज के पास आते हैं और कहते हैं हाँ हाँ जरूर जरूर भक्ति का रास्ते में चलो, अच्छा बात है, बट ये देखिए गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा अच्छा आपको दया चाहिए, ठीक है आप भक्ति का मार्ग में आप उतर जाइए। और उसके उसके बाद उन्होंने कहा आप अभी भी शादी हुए ना आपका, अच्छा ठीक है आप एक काम कीजिए आपको भक्ति सच्ची में आप भक्ति का रास्ता में जाना चाहते हैं तो आप पत्नी और पति अलग अलग रहना चाहिए। वो तो पहली प्रॉब्लम शुरू हो गया वहां से। उसका वो करने के बाद सो यू नो ये कपल सुना एंड उन्होंने सोचा कि ठीक है हम यू नो इनका 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 बात को मानेंगे और इनका इनके रास्ते में हम चलेंगे। सो उन्होंने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने वापस आए और बोला महाराज जी हमको वो ये डिवोटी वापस आए और बोला महाराज जी हम आपके यू नो जो आज्ञा दी आपने दिया हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अलग अलग रह रहे थिंक वाइफ हस्बैंड। महाराज जी एंड हम लोग दोनों अपने 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 भक्ति में हम अपने भक्ति कर रहे हैं जैसे आपने कहा, बट
हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिर्फ एक हम लोग सिर्फ प्रसाद, हम प्रसाद सिर्फ प्रसाद जो टुगेदर प्रसाद लेते हैं, पत्नी मेरा पत्नी प्रसाद आई मीन भोग लगाती है, वो प्रसाद मेरे लिए लेके आती है और हम लोग प्रसाद खाते हैं। सो एंड वो मेरा पत्नी बहुत अच्छी कुकिंग, बहुत अच्छी क्या कहते हैं कुकिंग, खाना बहुत अच्छी अच्छा बहुत अच्छा खाना बनाती है। सो गौर कृष्णदास बाबा जी ने कहा कि भाई आप तो अलग अलग रह रहे हैं बट आपका मन अपने पत्नी पे स्टिल है। सो ये बात ठीक नहीं, आप अपने आप अपने खाना पकाओ और पत्नी अपनी आप खाना पकाती है और आप अलग अलग खा लो। ऐसे बोलते बोलते यू नो ये बात हम सिर्फ आई मीन ये कहना चाहते हैं कि इससे बिकॉज समय तो कम है, हम थोड़ा लेट आज ये वो ज्वाइन हुआ। सो क्या सो उन्होंने बोला एक सो गौर कृष्णदास बाबा जी ने कहा कि आप अपने पत्नी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये खाने के प्रभु जी अजी कोई चिंता नहीं है, आराम से बोली है। अच्छा अच्छा लेट का बहाना बना के आप जल्दी पूरा ना करना है, आराम आराम बिकॉज़ वो टाइम का वो समय का ये नहीं नहीं, नहीं, नहीं कोई बात नहीं, अभी टाइम लिमिट रखा नहीं बोलने के, कोई चिंता नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है थोड़ा। सो एनीवे सो ऐसा है कि वो बाबा जी महाराज ने कहा कि भाई आप तो एक्सटर्नली आप कनेक्शन नहीं रखे हुए इसीलिए आप बट इंटरनली आपका मन तो अपनी पत्नी पे है, अपना आपका मन तो उनके उनका विचार उनके खाने उनको कितना अच्छी खाना बनाती है वैसे वो क्या कपड़े पहनती है वो विचार पे आप अभी भी विचार करें। सो बाहर से तो आप भक्त बन गए बट अंदर से आप अभी भी थोड़ा वो क्या अटैचमेंट है और इंद्रतृप्ति है। सो उन्होंने बोला ये बहुत गलत बात है बाबा जी महाराज ने, एंड उन्होंने बोला कि आप तो नाम तो ले रहे हैं, आप तो भक्ति कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, बट अंदर से आपको सिर्फ ये दुनिया की ये संसारिक दुनिया की अटैचमेंट अभी भी है। सो इससे अभी आप देखेंगे तो जो गृहस्थ लोग हैं हम लोग, हम सब गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, हम सब गृहस्थ लोग हैं, ये जब हम सुनते हैं हमको बहुत डिस्टर्ब, हमको काफी डिस्टर्ब होते हैं। ये डिस्टर्बेंस की वजह से हम कभी कभी भक्ति भी छोड़ सकते हैं बट या कभी कभी डिस्टर्बेंस के वजह से हम कहते हैं कि ये गलत बात है, हम और दूसरा गुरु या और दूसरा क्या कहते हैं प्रचारक से संस्था हम और दूसरा संस्था को ज्वाइन करेंगे जहाँ ये सब इतनी इतनी कठोर बात है, कोई बोलते नहीं हमको ऐसे। बट ये प्रभुपाद जी 75 में जो क्या लेक्चर देते हैं वो कहते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तपस्या चाहिए। तपस्या क्या मतलब है? ऑस्टेरिटी। अभी प्रभुपाद जी भी ये भी कहते हैं ताप, ताप का मतलब है डिफिकल्टीज डिस्टर्बेंसेस। सो जो डिफिकल्टीज और डिस्टर्बेंस को टॉलरेट कर सकते हैं, जो डिस्टर्बेंस या डिफिकल्टीज को टॉलरेट कर सकते हैं उनको उसको तपस्या कहते हैं। ये नहीं कि हमको डिफिकल्टीज नहीं आती है या डिस्टर्बेंसेस नहीं आते हैं। एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि अब देखिए किसी को एसोसिएशन से एसोसिएशन के वजह से स्मोकिंग का आदत, धूम्रपान करने का आदत लग गया। अभी हम पैदे होते हैं ना सिगरेट के साथ पैदे होते हैं, बट जब हम युवक बनते हैं उसे एसोसिएशन होती है, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं
और एडवर्टाइजमेंट और युवक देखते देखते हमको एडवर्टाइजमेंट देखते देखते हमको ये धूम्रपान ट्राई करते हैं, उसके बाद अच्छा लगता है, अच्छा लगने के बाद हम उसको एडिक्ट बन जाते हैं, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ये अभी आदत बन गई है, अभी धूम्रपान या दारू का आदत बन गई, अभी क्या करें। अभी सपोज हमको लिवर का प्रॉब्लम या लंग कैंसर का प्रॉब्लम कुछ आ गया और आने और ये हो सकता है कि आएगा, डॉक्टर कहते हैं कि ये धूम्रपान आपको छोड़ना पड़ेगा नहीं तो आपको कैंसर आएगा, या दारू छोड़ना पड़ेगा नहीं तो आपका लिवर का कैंसर आएगा। अभी डॉक्टर तो सही बता रहे हैं कि ये छोड़ना पड़ेगा, बट हम भी सही सोचते हैं, ये अच्छी जो डॉक्टर बोल रहे हैं अच्छी बात है, हम ये वो भी सोचते हैं कि ये अच्छी बात है जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमको धूम्रपान छोड़ना है, बट ये धूम्रपान छोड़ने के लिए किसी आप में किसी को धूम्रपान के पहले कुछ आदत होगी जो आपको आपको ये आप ये और आपको कोई दोस्त के पास कोई ऐसे जो धूम्रपान से एडिक्ट है या दारू से एडिक्शन है, आप देख लीजिए उनको, आप वो कहेंगे आपको कि हमको ये छोड़ना, हम ये छोड़ना चाहते हैं, हमको जरूर ये हमको ये पता है कि ये गलत है, हमको ये छोड़ना चाहते हैं, बट ये भी बट हम छोड़ नहीं पाते हैं, क्या करें, उसका आदत इतने पड़ गया कि हम छोड़ नहीं पाते, उसको इसीलिए उसको एडिक्शन कहते हैं। सो हमारा यही प्रॉब्लम है, हम जब ये बात सुनते हैं, ये कभी कभी हमको ये लगता है कि ये बात अच्छी है कि हम देखते हैं कि ये इंद्रतृप्ति के पीछे भागते भागते हमको कुछ संतुष्टि नहीं मिली, सिर्फ ये मिला कि डिसअपॉइंटमेंट दुख मिल रहा है, ये देखते ही ये हमको ये पता है, देखने पर भी है हम ये नहीं छोड़ सकते, क्या करें ये इतनी, पर वैष्णव के कृपा इतना है कि वो बार 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 हमको ये कहते रहे कि ये कहते हैं लेक्चर बे लेक्चर है। आप देखिए महाराज जी के कितने लेक्चर हैं जहाँ महाराज जी या प्रभुपाद जी या जो भी आप वैष्णव साधु लोग के लेक्चर्स देखते हैं, वो कितने बार हमको कहते हैं भाई ये सच्ची बात है कि आपको सिर्फ इंद्रतृप्ति के बारे में आप जानते हैं, बट ये सोच लीजिए, बट ये इंद्रतृप्ति आप जिसके पीछे भागते रहे हैं इतने सालों से, आपको उसमें कुछ संतुष्टि नहीं मिले, सिर्फ क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस मिला है। सो इसीलिए आप सोच लीजिए, थोड़ा प्रार्थना कीजिए प्लीज, हमारे हम आपको सपोर्ट देंगे, आप थोड़ा प्लीज प्रयत्न कीजिए, आप थोड़ा भक्ति के रास्ता हमें आएंगे। सो यही बात है देश की, वैष्णव के दया ये इतना है कि हमारा इवन इन स्पाइट ऑफ अस, जो हमारा वजह से भी हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो फिर भी हमको चांस वापस देते हैं, हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं आगे बढ़ने के लिए। और ये थोड़े सोचने की बात है कि वैष्णव और गुरु के दया इतना है कि जितना हम गलती करते हैं भक्ति के रास्ता में, या जितना हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जितना हम ये दुनियादारी में अटक जाते हैं इन स्पाइट ऑफ दैट, उन लोग फिर हमारे पास ऑप्शन भक्ति में भी अतृप्ति आती है कभी कभी। सो हमको वो कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या ये भक्ति के रास्ते में सिर्फ हमको अतृप्ति मिल रही है, ये क्या बात है, वो डाउट भी आते कभी कभी, वो सब छोड़ के हम हमारा साथ देते हैं वैष्णव लोग और गुरुजी। इसीलिए हम जब मंगलाचरण शुरू करते हैं, हम उसके साथ शुरू करते हैं, ओम अज्ञानाधिमिर्नस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः, ज्ञानंजन सलाह चश्मय श्री गुरु नमः। हम इसीलिए हम गुरु के चरण को क्या शरणागत करते हैं, क्योंकि उनके बिना वैष्णव और गुरु के बिना हमको कुछ हम कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, यही आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट। और प्रभुपाद जी जी कहते हैं कि यही है इस्कॉन की मेन मैसेज, इस्कॉन की मेन मैसेज है कि आप प्लीज आप ये अच्छी बात है कि आप इंद्रतृप्ति से आपको आप संतुष्टि की ट्राई कर रहे हैं, बट
ये संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी इंद्रा तृप्ति से, आपको भक्ति के रास्ते में उतर जाना चाहिए, भक्ति के रास्ते में चलना चाहिए आपको। प्लीज आप थोड़ा भक्ति के रास्ता चलिए, थोड़ा सोच लीजिए, और इफ क्या कहते हैं ये उसमें ये भक्ति के रास्ते में थोड़ा तपस्या की बात है, और तपस्या का मतलब है ताप की मतलब है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि जब एडिक्शन जब कोई स्मोकिंग या धूम्रपान या अल्कोहल के एडिक्शन से निकल जाते हैं, क्या कहते हैं उसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, हिंदी में पता नहीं कैसे क्या कहते हैं बट अंग्रेजी में उसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, बिकॉज हम इतना अल्कोहल या कैफीन की इतना आदत पड़ गई हमको कि उसका बिना हम रह नहीं सकते, वो सब घबराहट होती है हमारा शरीर में, कितना है ना सो नहीं पा सकते हैं हमको, अलग अलग ना शरीर में अलग अलग ये हो सच, सो उसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। सो ये एडिक्शन जब हम निकलते हैं, नया नया निकल जाते हैं, उसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। सो वो विड्रॉल सिम्टम्स के साथ उस समय हमको सपोर्ट चाहिए। सो उसमें क्या कहते हैं डिवोटिक एसोसिएशन, प्रभुपाद जी उस लेक्चर में कहते हैं कि उस इसी वजह से डिवोटिक एसोसिएशन हम लेना चाहते हैं, लेना है उस समय, बिकॉज जब हम इंद्र तृप्ति से निकल जाते हैं थोड़ा विड्रॉल सिम्टम्स होती है, और वो विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं जब हम डिवोटी का प्रोटेक्शन, डिवोटी का यू नो वैष्णव लोग की सहायता, उनके दया से हम थोड़ा वो विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और हम निष्ठा बन सकते हैं भक्ति में, हम निष्ठा बन सकते हैं। तब तक हमको डेफिनेटली डिवोटी का सेशन चाहिए और वैष्णव के दया चाहिए। सो यही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट हरे कृष्ण प्रभु, आप बताइए कुछ। हरे कृष्णा, जय प्रभु, हरे कृष्णा। ये वैष्णव प्रभु के आवाज सुनते ही हमको सब बहुत आनंद आती है। ये देखिए ये वैष्णव के कृपा है, वैष्णव के दया है। नहीं, आपने बहुत सुंदर लास्ट पढ़ो, अच्छा लगा आपने बताया ना विड्रॉल सिम्टम्स है ना। बहुत बढ़िया आपने बताया कि हमको भी उस टाइम पे हमको भक्तों की एसोसिएशन की बहुत जरूरत रहती है, वो टाइम पे बहुत जरूरत रहती है हमारे जीवन में भी, भले हम फुल टाइम ड्यूटी हो, कांग्रेशन ड्यूटी हो, कि बाहर फैमिली लाइफ में है, कि कोई जवाबदारी है, लेकिन हर एक जंक्शन पे जीवन पे हमको कोई गाइडेंस करने वाला चाहिए उस परिस्थिति में। किताब पढ़ के हमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान को विज्ञान में डालने के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए। ज्ञान विज्ञान तभी होगा जब हम जीवन में उतर सकते हैं, जीवन में उतरने की हमारे में इतनी हिम्मत नहीं रहती है। तो वो शुरुआत में अपने लेक्चर में वही बात की कि जैसे गोरक्षिता बाबा जी महाराज जी उनको कपल्स को सेपरेट कर रहे हैं, बाद में अलग अलग हो, वो चीज को स्वीकार करना वो बहुत मुश्किल पड़ता है। हम पढ़ लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल गुरु हमारे साथ में नहीं है, प्रैक्टिकल जीवंत गुरु, जीवित गुरु, अथवा फोन पे बोले, किधर से बोले अथवा, लेकिन वो तब तक वो चीजों को बहुत मुश्किल, क्योंकि वो जब बोलते हैं गुरु तो उनके शब्दों द्वारा हमारे में शक्ति भी भर देते हैं प्रभु जी। वो सही बात है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि हमारा शक्ति उनके शब्द से शक्ति बढ़ती है। हमने सबने अनुभव किया, आपने मैंने सबने अनुभव किया ये, और हम मैं गर्व कर लेता था क्या, देखिए मैं तो भक्ति द्वारा प्रश्नों को हल किया करके, हाँ हम ऐसे समझ लेते मैं भक्ति द्वारा, मेरे साधना द्वारा मैंने प्रश्न को सॉल्व किया। नहीं, वो गुरु है प्रभु जो हमारे वो नहीं, कभी कभी देखिए वो हमको बच्चों को क्या बोलते हैं, दवा देनी है, वो दवा कड़वी रहती है, तो कड़वी दवा डायरेक्ट दे नहीं सकते, तो चॉकलेट के साथ अथवा हनी के साथ देते हैं, है ना, आप देखना। तो उसी तरह गुरु महाराज हमको कड़वी दवा पिलाते हैं मत के साथ, लेकिन उनके उनके मत के साथ, क्योंकि उनको पता है इसको कड़वी दवा जरूरी है, लेकिन फिर भी आपका पॉइंट अच्छा लगा मेरे को, विड्रॉल सिम्टम्स, यू नो, ये बहुत बहुत बढ़िया लास्ट पॉइंट, वेरी नाइस। एंड वो एक्चुअली वो जो आप जो अभी बात बोली, मुझे बहुत
महाराज की इतनी याद आती है, बिकॉज वो इतने इतने हंसते हंसते हमको इतनी कड़वा मैसेज देते थे, बट हंसते हंसते देते थे हमको नए, हम जब हम उनके सामने बैठते थे और सुनते थे उनसे, हमको ये नहीं लगा कि वो कड़वा दवा दे रहे, हंसते हंसते हमको दवा देते थे। बाद में बीच में वो क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग कर रहे, चेंज कर रहे चैनल को, वो जोरदार और बाद में ट्यूनिंग चेंज कर रहे है, वो अवैध स्त्री संघ के बारे में लेके जा रहे टॉपिक, कितने गंभीर है प्रभु, लाइक अ थंडरबोल्ट, यू नो, जस्ट वन सेकंड वन मिनट पहला इतना असर है हर एक बात के ऊपर से, इतना असर है, बाद में जो ट्यूनिंग चेंज कर रहे हैं ना, हमको अगर कोई वो एफएम कैच करना है तो हमको बहुत सावधानी पूर्वक ट्यून करना पड़ता है प्रभु, सही बात है, अभी हम कैच करते हैं, लेकिन महाराज इज एक्सपर्ट प्रभु, यू नो, ही एट अ टाइम टू थिंग्स ही कैन गिव टू अस, यू नो अनलिमिटेड लाफ्टर आल्सो एंड अनलिमिटेड विजडम आल्सो, बोथ द थिंग्स, यस यस, and और actually तीन बातें प्रभु जी, एक है अनलिमिटेड लॉफ्टर, अनलिमिटेड विजडम और अनलिमिटेड सिकनेस, कभी कभी कितना गंभीर हो जाते थे वो, माफ करें, आई मीन आप, यू वी ऑल हैव एक्सपीरियंस महाराज जी ना, कभी कभी इतना गंभीर होता है, डर, हम डरते थे उनके सामने जाने के लिए, कभी एंड वो बिना चिल्ला के सिर्फ हमको देखते ही इतना गंभीर से, वो देखते थे महाराज इतना गंभीर से देखते हैं हमको, हम डरते थे उनके सामने जाने के लिए उस समय जब महाराज उस मूड में थे, सो सब तीनों देते थे, सब प्यार देते थे, डिसिप्लिन देते थे और ये विजडम भी देते थे, प्रैक्टिकल विजडम जो कह रहे हैं आप, प्रैक्टिकल जो विजडम, बिकॉज सबसे ज्यादा ये किताब में ये विजडम नहीं मिलती है, सिर्फ ज्ञान मिलती है किताब से, बट प्रैक्टिकल विजडम जो महाराज जी हमको बताते थे वो अभी तक हमको सब सपोर्ट दे रहे हैं अभी। इसी कारण भाव जी मेरा 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 खुद का निजी अनुभव है कि बाकी लोग सुन रहे हैं तो मैं सोचा कि देखिए मैं देखा कि बहुत सारे, मैं 96 में मंदिर ज्वाइन किया प्रभु और अभी 2020 चला तो मैं देखा कितने भक्त ज्वाइंट हो गए उसके बाद भी, लेकिन इसमें टिकना इतना आसान नहीं प्रभु जी, समझा, ये गुरु रियली मैं समझता हूँ गुरु की विशेष कृपा बिना ये भक्ति के मार्ग में टिकना इतना आसान नहीं, उनकी विशेष कृपा चाहिए चाहिए प्रभु जी, हम समझे कि मैं सोला माला करूँ, मैं मंगला आरती करूँ, मैं भागवतम पढ़ू और मैं सेवा भी करूँ, लेकिन ये उसमें गुरु नहीं चाहिए तो गुरु मैं बिना मैं कर सकूंगा तो मेरे ख्याल से वो मिस्टेक है अपनी, ऐसा मैं सही बात। हम सब एक्सपीरियंस किया, बिकॉज ये जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो काफी यू नो बड़ी प्रॉब्लम है प्रभु, वो बिना सपोर्ट की बिना दया की वो नहीं हो सकती है। यस प्रभुजी, ठीक है प्रभुजी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस टू ऑलवेज ट्राइंग टू मे बी बिकॉज ऑफ सम बिजीनेस यू आर जॉइनिंग लेट बट स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग दिस सर्विस, नो ये बहुत अच्छा है, प्लीज आप मुझे अच्छा बोल रहे, हिंदी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, एक आधा कोई शब्द अटकता है कोई समझ, सब समझते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, क्या आप क्या बोलना चाहते हो सब समझ रहे, वो इम्पोर्टेंट है सब, वो पॉइंट वो प्रभु पंछी कहते हैं ना, वो लैंग्वेज इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, वो जो पॉइंट है उसको समझने बस, यस बस वही इम्पोर्टेंट है, बहुत सुंदर भाव, बहुत बहुत, और अभी देखिये कल या परसों सज्जन प्रभु का भी मैं सुन रहा था, बहुत बढ़िया वो भी बोल रहे हिंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में थोड़े शब्द अटक रहे लेकिन जो बोली भाषा हिंदी है बोल पाते आप भी, वो भी इसलिए जो पब्लिक को मैसेज देना है भक्तों को वो आप दे पा रहे, वो इम्पोर्टेंट हो, नथिंग टू वरी, सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग जो सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान के कृपा से वापिस हम लोग कल हमको 6 बजे जुड़ जाएंगे इसी समय पे और नया कुछ सब्जेक्ट लेके हमारे आध्यात्मिक प्रगति को आगे लेके जाने के लिए, हमारी कमियों को खामियों को दूर करने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु, धन्यवाद, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम।